स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार कौन सा है बताओ? मैया, ओ मेरी माँ, मैया बताओ स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार कौन सा है? मैया जी कौन सा है बताओ, कौन सा श्रृंगार सबसे बढ़िया है? स्त्री जात का सबसे बड़ा श्रृंगार है पातिव्रत श्रृंगार। यदि स्त्री पतिव्रता है तो उसके सारे श्रृंगार सफल हैं, और यदि आप पतिव्रता नहीं हैं तो आपके सारे श्रृंगार व्यर्थ हैं। आज माता अनुसुईया ने सती अर्थात सीता माँ को क्या दिया? उपदेश दिया। आप लोग अपनी बेटियों को उपदेश करते हो कि नहीं? आप लोग भी जरा अपनी बेटियों को बिठाला करो शादी के पहले, जब उसका विवाह इत्यादि फिक्स हो जाए, शादी की तारीख निकल जाए, तो माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी को बिठाए और उपदेश दे। क्या उपदेश दे? यही उपदेश दे, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। माता अनुसुईया ने कहा कि स्त्री को धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों को विपत्ति के समय में परखा जाता है। हम कितने धैर्यवान हैं ये कब पता चलेगा? जब हम पर विपत्ति आएगी। विपत्ति ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि व्यक्ति कैसा, अच्छा या बुरा, ये पहचान विपत्ति के समय में ही तो होती है। आप मेरे साथ हैं, आपका दोस्त आपके साथ है, जब तक आपके पैसे हैं तब तक तो जमाना आपके साथ है, पर जब आप पर विपत्ति आती है तभी तो पता चलता है कि कौन आपका संगी साथी है और कौन आपका साथी नहीं है। विपत्ति ना आए तो अपनों की परख कैसे हो कि कौन मेरा अपना है? तो धीरज, मैं कितना धैर्यवान हूं, ये तब पता चलता है जब जीवन में विपत्ति आती है। हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं, यह ज्ञान भी तब होता है जब विपत्ति आती है। बड़े बड़े धर्मात्माएं ये जब विपत्ति आती है ना डगमगा जाते हैं। चार दिन से आपके भूख हो, चार दिन की भूख आपके पास हो, आप भूख से तड़प रहे हो और तभी आपके सामने भोजन आ जाए, और उसी समय कोई भूख आकर कहे भैया हमें बड़ी भूख लगी है, तो क्या आप अपनी थाली उसे देंगे? नहीं देंगे। पर राजा रंती देव ने लगभग 50-60 दिन की भूख को सह कर भी चांडाल को भोजन कराया था। मतलब धर्म की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है, और मित्र की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है, और पत्नी स्त्री की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पति पर संकट आता है तो छोड़कर चली जाती हैं, और बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पति के संकट आने पर अपने आप को पति के हवाले कर देती हैं, अर्थात मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ी हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर आप और हम दोनों आगे चलें। अपने पति के दुख में अपने आप को मिला देना, अपने आप को जोड़ देना, यही पत्नी का धर्म है। पति के दुख में उसका त्याग कर दे, ऐसी नारी ठीक नहीं है। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। चार लोगों को विपत्ति के समय में परखा जाता है। अनुसुईया जी कहती हैं, सुनो बेटा सीता, बेटी सीता सुनो, हम सभी नारियों को पतिव्रता होना चाहिए। अच्छा, पतिव्रता मतलब? माँ आप समझाइए। बोले जो स्त्री अपने पति का कभी त्याग ना करे, पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पूरे दुख ना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पति रोगी हो, निरोगी हो, पति कैसा भी हो, नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, अनुसुईया माँ कह रही हैं, हम तो केवल व्याख्या कर रहे हैं। क्या कह रही हैं माँ? पति कैसा भी हो मैया, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कभी भी स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। एक लड़का मेरे पास आया, बोले गुरुजी हमारी पत्नी मायके चली गई। हमने कहा क्यों मायके चली गई?
बोली गुरु जी हमसे रोज कहा करती थी होटल ले चलो खिलाने, होटल ले चलो खवाने, होटल ले चलो। हमारा इतना बजट नहीं था कि होटल में खवाए, भाग गई मायके। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारी पत्नी रोज कहती थी कुल्लू मनाली ले चलो घुमाने, कुल्लू मनाली ले चलो घुमाने, हम नहीं ले गए सो मायके चली गई। कलयुग में ऐसी पत्नियां हैं। अब बताओ पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, गरीब हो, शादी के पहले ही तुम्हें सब देख लेना चाहिए कि अंधा तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, गरीब तो नहीं है। जब शादी कर लिया, माला मंगल सूत्र पहन लिया, उसके नाम की मेहंदी रचा ली, अब धर्म कहता है कि वो तुम्हारा भगवान हो गया। वो कैसा भी है, शादी के पहले तुम्हारी आंखें कहां थी, तुमने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं मुआयना किया, क्यों नहीं निरीक्षण किया, सब प्रकार से क्यों नहीं देखा परखा। अब शादी हो गई, अब वो हर प्रकार से शास्त्र कहते हैं वो तुम्हारा भगवान है। इसीलिए अब पति जैसा भी है उसी के साथ बची हुई जिंदगी निर्वहन करना चाहिए। एक 50 साल की मैया मेरे पास आई, गुरु जी क्या हुआ। बोले मैं पति से परेशान हो गई हूं, 50 साल की हो गई हूं, अब मुझे तलाक चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे कितने हैं। बोले 2 बच्चे हैं, दोनों का विवाह हो गया, दोनों के बच्चे हो गए। लो बेटों का विवाह हो गया, बेटों के भी बेटा हो गए, और बूढ़ी अम्मा कह रही है हमें तलाक चाहिए। हमने कहा मैया तलाक लेके करोगी क्या। अरे बोले उस आदमी ने जीवन में कभी सुख नहीं दिया, सारी जिंदगी तंग किया, परेशान किया, परेशान हो गई हैं हम उससे, अब तलाक लेना चाहती हैं। हमने कहा मैया गई बहुत थोड़ी रही, बहुत सारी तो गुजर गई तुम्हारी जिंदगी, अब थोड़ी सी बची है, हाथी निकल गया है, पूंछ पूंछ बची है, ये पूंछ भी निकाल लो, भागने से क्या होगा, पहले ही निर्णय ले लेते कुछ। शास्त्र कहते हैं पति कैसा भी हो, तुम्हारा पति बुरा है तो कोई बात नहीं। शास्त्र यह कहते हैं कि आपने हमने ही जीवन में, इस जन्म में ना सही पिछले जन्म में हमसे कोई पाप हुए होंगे, उसी पापों का दंड ये मिला कि पति ऐसा मिला। ये जो बुरे पति होते हैं ना, बुरी पत्नी है, बुरा पति है, ये बुरे पति और पत्नी नहीं होते, तुम्हारे कर्म बुरे होते हैं, वही बुरे कर्म तुम्हारा पति बन करके खड़ा हो जाता है, वही तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारी पत्नी बनकर खड़े हो जाते हैं, और उसी का दंड तुम्हें मिलता है। तुम्हें लग रहा है पति दुख दे रहा, पति नहीं, किसी जन्म के तुम्हारे बुरे कर्म पति बनकर प्रकट हो गए। जो पति है वो पति नहीं है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा पति है, तुम्हारा बेटा नहीं है, बल्कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा बेटा है। बुरा कर्म तो बुरा बेटा, अच्छा कर्म तो अच्छा बेटा, बुरा कर्म तो बुरा पति, अच्छा कर्म तो अच्छा पति। पति कैसा भी हो, नारी का धर्म है अपने पति की सेवा करनी चाहिए, हर प्रकार से पति की सेवा करे। जो नारी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष में मन लगाती है, जो नारी अपने पति को छोड़कर चुपके चुपके किसी दूसरे पुरुष को ताकती है, देखती है, उससे संबंध बनाती है, ऐसी नारी घोर नरक में जाती है, घोर नरक में पड़ती है। रामचरितमानस के आरण्य कांड में यह बात लिखी है, आप समय मिले तो दोहा नंबर 4 और 5 के बीच में जो चौपाइयां हैं, अनुसुईया मां का उपदेश यही है, आप अच्छे से पढ़ लेना। ये अनुसुईया माँ कह रही है, एक पतिव्रता नारी कह रही है। इसीलिए आप समझ लीजिएगा, यदि स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष से संबंध रखती है, वह घोर नरक जाती है और कई जन्मों तक उसे बड़ा दंड मिलता है। इसीलिए नारी पतिव्रता, देखो क्या लिखा है, पति वंचक पर पति रति कराई, रौरव नरक कल्प सत पराई। जो नारी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी नारी रौरव नरक में पड़ती है, और कितने दिन तक रहती है, बोले कल्प सत 100 कल्प। 100 कल्प जानते हैं कितना बड़ा होता, 1 कल्प में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं। कलयुग की आयु कितनी है, 4,32,000 वर्ष। ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे 1000 बार जब 4 युग बीत जाते हैं तब 1 कल्प होता है, और ऐसा इसमें गिनती है 100 कल्प।
सौ कल्प तक वह नारी घोर नरक में रहती है जो अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से संबंध रखती है। और यही स्थिति पुरुषों के लिए भी है। यदि पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री से संबंध रखता है तो वह भी सौ कल्प तक नरक में ही वास करता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सेम सेम है, इसीलिए नारी भी अपने पति के साथ प्रसन्न रहे और पुरुष भी अपनी पत्नी के साथ ही प्रसन्न रहे। आप अपने चरित्र को डिगाइए मत, आप अपने चरित्र को गिराइए मत, अर्थात चरित्रवान बनिए। आपके चरित्र की ही पूजा होती है, आपका सम्मान नहीं, आपके चरित्र का ही सम्मान होता है। व्यक्ति कितना भी सुंदर रूप और रंग का हो पर चरित्रहीन हो तो कौन देखता है, पर चरित्रवान हो तो आदमी पूजा करता है, भले उसका रूप रंग कैसा भी हो। चरित्र की पूजा है, आपका करेक्टर गया तो फिर आपकी चमड़ी बचा के क्या करोगे, है ना। इसीलिए चरित्र अति आवश्यक है। पतिव्रता नारी ही सबसे श्रेष्ठ नारी होती है, इसीलिए हम कहा करते हैं नारी के लिए उसका पति ही जप है, नारी के लिए उसका पति ही तपस्या है। ये अनुसुईया जी कह रही है सीता माता को, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार, पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार, सुना पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार, बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार, सुना पति बिना संसार। नारी का एक ही धर्म है, केवल पति से प्रेम करे और पराए पुरुष को या तो अपने पिता की दृष्टि से देखे, या तो अपने भाई की दृष्टि से देखे, या तो अपने पुत्र की दृष्टि से देखे। देखो हमारे शास्त्र आपके लिए कितने अच्छा, ये बताओ जो आज की हमारी बहनें हैं, मॉडल जमाने की जो हमारी बहनें हैं, आपसे मेरा सवाल है, बताइए यदि हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि आप चरित्रवान रहें अपने जीवन में, तो क्या शास्त्रों की ये बात गलत है, क्या आपके लिए गलत कह रहे हैं? शास्त्र कह रहे हैं कि आप चरित्रवान रहें, तो क्या ये बात गलत है? क्या आपका भविष्य इसमें खतरे में आ जाएगा? और आज के फिल्मी लोग जिसको आप सुपर डुपर स्टार मानते हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन, ये लोग आपको क्या बताते हैं, उन लोगों का चरित्र कैसा है आप देख लीजिएगा। इस पुरुष के संग कुछ दिन रहती हैं, फिर दूसरे के संग रहने लगती हैं, फिर तीसरे के संग रहने लगती हैं, उनका तो कोई सिर पांव है ही नहीं, कभी यहां कभी यहां। तो आज की हमारी बहनें, सामान्य घर की बहनें, संस्कारी लड़कियां जब टीवी देखती हैं और पिक्चर देखती हैं और देखती हैं ये हीरोइन इसके संग भी रही, इसके संग भी रही, तो वो सोचती है कि जब ये पढ़ी लिखी और ये यहां पे जाकर नाम शोहरत पाकर ऐसा कर सकती हैं, तो वो सोचती मैं भी ऐसा करूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो गलत है, तुम सही हो। वो पैसा कमाने के लिए सब कुछ करते हैं, वो अपना चरित्र भी बेच देते हैं, वहां तो पैसों में चरित्र बिकता है। हाँ, जो फिल्म बनाने, फिल्मी दुनिया है जो हमारे भारत में, जहां पिक्चरें बनती हैं करोड़ों हजारों करोड़ों की एक एक पिक्चर बनती है, ये पिक्चर बनाने वाले, अभी आपने सुना नहीं, कुछ दिन पहले एक ऐप आया था, उसके द्वारा लड़कियां अपनी अपनी बात कह रही थी, तो उसके मैंने भूल गया कोई ऐप का नाम, उसके माध्यम से जितनी हीरोइनें थी, अधिकांश हीरोइनों ने हीरो पर आरोप लगाया कि नहीं, किन्होंने मेरे साथ दुराचार किया, मैं शूटिंग करने गई, कौन सा ऐप था, मीटू ऐप के माध्यम से हर हीरोइन ने अपनी बात रखी और हीरो पर, बड़े बड़े सुपरस्टारों पर आरोप लगाया कि नहीं, कि इन्होंने मेरे साथ शूटिंग के वक्त इन्होंने मेरे साथ अश्लील हरकत की, बड़े बड़े लोगों का नाम आया, लेकिन जब वो बदनाम होने लगी तो उस ऐप को ही बंद करा दिया। आपको क्या लगता है ऐसी बड़ी हीरोइन हो जाती हैं, ऐसी बड़े हीरो हो जाते हैं? अरे वहां पर चरित्र का सौदा होता है,
इसीलिए वो लोग आप जैसे सभ्य लोगों के, उन लोगों को तो आप अपने घर में झाड़ू पोछा के लिए भी काम पे नहीं रख सकते, इतना चरित्र से हीन होते हैं। आपके घर की जो काम वाली बाई है ना, वो भी उन हीरो हीरोइनों से करोड़ गुना बेहतर हैं। इसीलिए आप अपना चरित्र बचाएं और देखा देखी के चक्कर में ना पड़े। मी टू ऐप को क्यों बंद किया गया? क्योंकि बड़े बड़े लोगों की पोल खुलने लग गई, बात दबा दी गई। वो बड़े पावरफुल लोग हैं, पैसे के बल पे बहुत कुछ कर लेते हैं, पैसे के बल पे ही सब काम कर रहे हैं उन लोग। आज समाज को भड़काने का, बरगलाने का काम कौन कर रहा है? अश्लील चित्र कहां से आ रहे हैं? अश्लीलता कौन फैला रहा है? गांव का मजदूर थोड़ी अश्लीलता फैला रहा है। अरे वही पिक्चर बनाने वाले लोग ही तो अश्लील डांस कर रहे हैं। पिक्चरों में ऐसे ऐसे अश्लील चित्र देखने को मिलते हैं, नाके बराबर कपड़े पहन करके नाच रहे हैं। अब बाप अपनी बेटी के संग पिक्चर देखे तो उसे भी लज्जा आती है कि देखो जरा कैसे अश्लील कपड़े पहने हैं। तो क्या ये आज की सभ्य समाज में शोभा देता है? ऐसी पिक्चरों पर तो बैन करा देना चाहिए सरकार को। जो अपने बाप के संग बेटी पिक्चर ना देख सके, ऐसी पिक्चरों पर बैन होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? अब मुझे आप बताओ, ये लोग जो पिक्चर बना बना के हजारों करोड़ कमाते हैं, ये बताओ कि इन लोगों ने समाज को क्या दिया? क्या दिया समाज को इन्होंने? क्या आज तक किसी हीरो और हीरोइन ने एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जहां सबका निःशुल्क इलाज हो? बनाया हो तो बताओ। क्या आज तक इन्होंने किसी भूखे को रोटी दी, अन्य क्षेत्र चलाया? नहीं चलाया। क्या इनके पास पैसों की कमी है? क्या ये हॉस्पिटल बना करके गरीबों की सेवा निःशुल्क नहीं कर सकते? क्या ये लोग फ्री में लोगों को फुटपाथ पे, क्या बंबई में गरीबी नहीं है? अरे मुंबई में भी फुटपाथ पे लोग सोते हैं। क्या उन फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को, क्या इन लोगों ने आज तक दो रोटियां दी? करोड़ों हजारों करोड़ों के बंगलों में रहते हैं ये लोग, और पिक्चर बना बना करके हमारे देश की संस्कृति और संस्कार को बिगाड़ते हैं। तुम्हारे हिंदू धर्म में जितना कुछ सनातन धर्म के खिलाफ कर सकते थे, ये लोग पिक्चर बना बना के कर रहे हैं। और आप लोग तो बहुत सहनशील हैं। आप लोग कहते हैं वाह, ओ माय गॉड, पिक्चर बनी, उसमें कह दिया शंकर जी को दूध मत चढ़ाया करो, जो दूध शंकर जी को चढ़ाते हो वो गरीबों में बांटा करो। बात ठीक कही उन लोगों ने, मैं समर्थन करता हूं। पर उन लोगों ने केवल ये बात कही है, क्या पूछा जाए उन लोगों से, क्या तुमने इस बात को अपने जीवन में चरितार्थ किया? क्या खुद ने हजारों करोड़ पिक्चर से कमाया, बताओ गरीबों में कितना बांटा? क्या बांटा इन लोगों ने? अरे भाई, आदमी जब मंदिर में दूध चढ़ाने जाता है ना, तो वहां बाहर भिखारी भी होते हैं, तो दूध चढ़ाने वाले लोग ही भिखारियों को भी कुछ कुछ दे देते हैं, है ना? उन्हें पता है भिखारियों को कि यहाँ आने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है और वो हमें जरूर कुछ देगा। हम तो ये कहते हैं कि शंकर जी का दूध से अभिषेक भी होना चाहिए और गरीबों की जरूरतें भी पूरी होनी चाहिए। हम तो रोज सवेरे 3000 गरीबों को, 3000 लोगों को रोज पेट भर भोजन देते हैं, बांटते हैं, बिहारी जी बंटवाते हैं। हम केवल कहते नहीं हैं, हम करते हैं। और उन लोग करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ पिक्चर बना के खर्च करते हैं और वो करते कुछ नहीं है, केवल कहते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को भड़काते हैं, केवल बरगलाते हैं। उनसे पूछो कि उन्होंने कितना खर्च किया। क्या मुंबई में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को, अरे और तो ठीक है, फुटपाथ पर सोने वालों के ऊपर कार चढ़ा देते हैं। क्या कार चढ़ाने के बाद गरीबों को मार नहीं डाला? एक बड़े हीरो ने, जिसको सुपरस्टार आप कहते हैं, क्या उस पर केस मुकदमा नहीं चल रहा है? पर पैसे के बल पर उसको जेल हो गई, पर पैसे के बल पर छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि पैसा है।